मॉर्निंग बच्चों, आज हम क्षेत्रफल के नेक्स्ट निर्णय को सॉल्व करेंगे। इसमें दिया गया है एक निर्दिष्ट वर्ग क ख ग घ के क्षेत्रफल के बराबर एक समचतुर्भुज बनाओ। मतलब एक वर्ग दिया गया है क ख ग घ, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक समचतुर्भुज की रचना करनी है जो इसके क्षेत्रफल के बराबर हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुत आसान सवाल है। क ख ग और घ, दो एक वर्ग दिया गया है, इसके क्षेत्रफल के बराबर एक समचतुर्भुज की स्थापना करनी है। तो बच्चों बहुत आसान है, बहुत आराम से हो जाएगा। हम क ख को या ख गा को किसी भी एक भुजा को अर्धक कर लेंगे। अर्धक करने का तरीका सभी को पता ही होगा, तो मैं डायरेक्ट ऐसे बना देता हूँ और इसको आगे बढ़ा दिया। अब हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ये माना कि चा बिंदु है, चा को खा से मिलाया, चा को घा से मिलाया और यही सेम दूरी चाहे तो प्रकार से भर सकते हैं या फिर प्रकार से यहाँ काट सकते हैं डायरेक्ट। तो ये आपका सवाल जो है सॉल्व हो चुका है। ये दीर्घवृत्त चा खा ला और घा, ये आपका अभीष्ट चतुर्भुज बन गया है। जो सम चतुर्भुज है वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट सवाल लेंगे। इसमें क्या है बच्चों, एक वर्ग काखा गाघा के बराबर निर्दिष्ट कोण 50 अंश का एक सम चतुर्भुज बनाओ। एक इसमें एक वर्ग दिया गया है, फिर से एक वर्ग दिया गया है का ख ग घ, इसको हम नाम दे देते हैं ख ग और घ। इसके क्षेत्रफल के बराबर एक सम चतुर्भुज बनाना है, लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि इसका एक कोण जो है 50 डिग्री का है, 50 डिग्री का एक कोण दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले इस घ और गा रेखा खा रेखा को घ और खा दूरी से एक चाप लगाएंगे और इसको गागा को आगे बढ़ाया जो जा पर मिला। अब इस ज और गा को लंबार्थक किया, माना कि यहाँ पे किया, ये यहाँ पे आया, ये बिंदु ज्ञात हुआ और इस माना कि इसको हमने नाम दिया च च जा बराबर च गा। तो कोई सी भी दूरी लेके हम एक अर्धवृत्त बनाएंगे जो
इस तरह का कुछ जो सही नहीं बन पा रहा है, इसको हम दोबारा से बनाते हैं। के बिंदु से एक चाप लगाया जो मेरे ख्याल से ज़्यादा दूर जाएगा, तो इसको हम ज़्यादा दूर ले जाते। इसको आगे बढ़ाया और थोड़ा आगे ले जाते हैं, घाकों के निर्माण के इसे जाना है, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा दूर होगा और इसको अर्धक करेंगे। अर्धक करके इसको ऊपर उठाएंगे, जो ये चार बिंदु, ये छह बिंदु पर मिलेगा। अब इसको अर्धक करने पे जो ये पा बिंदु मिला, पा से छा की दूरी लेके एक अर्धवृत्त खींचेंगे। ये एक अर्धवृत्त खींचा, इस अर्धवृत्त पे जहाँ इसने काटा, जिस बिंदु पे काटा, इसको हमने नाम दिया ना। ना और पा दूरी को लेके एक चाप लगाया, इस नए पै दूरी से जो चाप लगा उसको गा घा को आगे बढ़ा दिया। गा घा को आगे बढ़ाया तो ये माना कि लय बिंदु पे पहुंचा। अब घा रेखा ने इस रेखा को घा और माना कि सा, घा सा रेखा को ला वापर काटा, घा सा रेखा को वापर काटा, तो समचतुर्भुज की वा घा एक रेखा ज्ञात हो गई और दूसरी रेखा घा ला ज्ञात हो गई। और जब ये दोनों रेखाएं मिल गई तो सामने सामने के कोण समानांतर होते हैं, तो ये जा घा ला जा वा अभीष्ट कोण बन गया। तो बच्चों ये दोनों सवाल सॉल्व हो गए हैं, आप इनको अच्छे से बनाइएगा।